आज एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है? टेल मी विच इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द जूल ऑफ इंडिया. नहीं पता? नहीं, गूगल मत करो यार. व्हाई फिकर व्हेन आई एम हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ मणिपुर, और वहीं से आया है हमारा आज का इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया. मैं हूं मनीष बटाविया एंड यू आर वॉचिंग द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो. और मणिपुर से आए जिस स्पोर्ट की मैं आज बात करने वाला हूँ, वहां से सुनवाऊंगा मैं आपको आज टकराती हुई तलवारों की आवाज और थिरकते हुए कदमों की थाप. एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद इस स्पोर्ट का नाम नहीं भूलेंगे आप. दिस इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड थांगटा. भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में बसा ये राज्य मणिपुर अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए काफी फेमस है. ये स्टेट साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के मामले में ये बहुत आगे है. यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स, क्विजीन और हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में फेमस है. यहाँ स्पोर्ट्स को, खासकर मार्शल आर्ट्स को काफी पसंद किया जाता है, और इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है थांगटा का. थांगटा एक ऐसा मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका यूज मणिपुर के लोग दुश्मन से अपने बचाव के लिए, युद्ध करने के लिए और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हजारों साल पहले मणिपुर के इतिहास में लगातार चलने वाली लड़ाइयों के कई किस्से मौजूद हैं. दो कबीलों के बीच की लड़ाई, तो कभी सीमा पार दुश्मनों से युद्ध. ऐसी सिचुएशन की वजह से मणिपुर में हर परिवार के कम एक सदस्य, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसे थांगटा सीखना जरूरी था. शुरुआत में थांगटा एक युद्ध कला यानी वॉर आर्ट के रूप में सिखाया जाता था. इनफैक्ट यहाँ के लोगों का मानना है कि जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो इसमें थांगटा के दौरान यूज किए जाने वाले कई मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. भाई वाह, क्या कमाल की हिस्ट्री है थांगटा की. शायद इसी तरह के इतिहास की वजह से लोग ऐसे आर्ट फॉर्म्स के साथ लगातार जुड़े रहते हैं. वैसे वो शेक्सपियर ने क्या कहा था? हाँ, व्हाट्स इन अ नेम, एक नाम में क्या रखा है. भाई थांगटा के इस नाम के पीछे बहुत सारी कहानियां छुपी हुई है. मुझे पता है, आप जानना चाहोगे, है ना? लेट्स गो. थांगटा, अब इसमें दो वर्ड्स हैं, ये तो आपको भी पता चल ही गया होगा. थांग का मतलब होता है तलवार और ता का मतलब होता है भाला. इनफैक्ट इस आर्ट फॉर्म में तलवार को मां का दर्जा दिया गया है, तो भाले को पिता का. ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से एक इंसान अपनी माता और पिता की देखरेख में बड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही एक सैनिक के लिए लड़ाई के मैदान में ये तलवार और भाला यानी थांग और ता एक माता और पिता की तरह सुरक्षा देते हैं. ये तलवार और भाला सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सैनिक की बॉडी का एक्सटेंशन माना जाता है. थांगटा की वजह से ही मणिपुर हमेशा ही बाहरी दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करने में कामयाब रहा है. ब्रिटिश राज के दौरान इस आर्ट फॉर्म का डिक्लाइन शुरू हुआ. अब क्योंकि थांगटा एक मार्शल आर्ट और एक वॉर आर्ट था, इसीलिए इसे सीखने और सिखाने वालों को शक की नजर से देखा जाता था, और तभी तो ब्रिटिशर्स ने इस आर्ट फॉर्म पर बैन लगा दिया. अगर मैं तब होता तो मैं इन अंग्रेजों पे 300 गुना लगान लगा देता. खैर, अच्छी बात यह है कि ये बैन ज्यादा टाइम तक नहीं टिका. वेरी गुड. जल्द ही वहां के लोकल प्रैक्टिशनर्स और गुरुओं ने थांगटा को फिर से रिवाइव किया, लेकिन इस रिवाइवल के दौरान ये आर्ट फॉर्म इवॉल्व भी हुआ. थांगटा सिखाने वाले गुरुओं ने इस युद्ध की कला को एक डांस फॉर्म के रूप में भी सिखाना शुरू किया. थांगटा प्रैक्टिस करते समय दोनों हाथों में तलवार होती है, जिसको इंग्लिश के नंबर 8 की तरह घुमाया जाता है, और ऐसा करने के पीछे का मकसद होता है किसी भी ओर से होने वाले हमले से बचना.
तेज मूवमेंट के साथ घात लगाकर हमला करना भी थांगता की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। कैसे एक बिल्ली की तरह बिना आवाज किए दुश्मन तक पहुंचना और फिर बिजली की तरह उस पर हमला कर देना, ये सब थांगता में सिखाया जाता है। पुराने जमाने में हालात ये थे कि कब दुश्मन आप पर हमला कर दे, कब लड़ाई शुरू हो जाए या फिर कब कोई जंगली जानवर आप पर वार कर दे, इसका पता बिल्कुल नहीं होता था। ऐसे में थांगता में सिखाई हुई सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स काफी काम आती थी। थांगता की ट्रेनिंग के दौरान सेल्फ डिफेंस और अटैक दोनों तरह की अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती है। थांगता जैसे मार्शल आर्ट्स का मेन पर्पस होता है किसी भी इंडिविजुअल की माइंड और बॉडी के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, और थांगता की ट्रेनिंग भारत की पुरानी गुरु शिष्य परंपरा का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हैशटैग जो आज्ञा गुरुदेव। थांगता की ट्रेनिंग के तीन पार्ट्स हैं। पहला है थांगता फॉर वॉरफेयर, यानी युद्ध की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग। दूसरा है थांगता फॉर परफॉर्मेंस, यानी एक डांस फॉर्म की तरह की ट्रेनिंग। और तीसरा है रिचुअलिस्टिक वे ऑफ प्रैक्टिसिंग थांगता। युद्ध की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले शिष्य सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और फिर आकाश और धरती को नमन करते हैं। मजेदार बात तो यह है कि फाइट शुरू करने से पहले अपने ओपोनेंट का भी अभिनंदन किया जाता है ना कमाल की बात। थांगता का बेसिक कॉन्सेप्ट ही सेल्फ डिफेंस का है, इसकी ट्रेनिंग में बिना मतलब अटैक करना नहीं सिखाया जाता। हाँ, वेरी गुड। बिना मतलब के अटैक कौन करता है यार? आप मैं हम जैसे समझदार लोग ऐसा कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। थांगता वैसे आज के समय में मणिपुर की सभ्यता और संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन चुका है, एन इंटेग्रल पार्ट। और वैसे आजकल लोग थांगता की ट्रेनिंग ज्यादातर सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। और इस आर्ट फॉर्म की एवोल्यूशन की कहानी का एक सीक्रेट कोड वर्ड बताऊं, D2D, यानी कि सेल्फ डिफेंस टू डांस फॉर्म, कुछ इस तरह। थांगता आज एक ऐसा डांस फॉर्म बन गया है जिसमें ढोलक की थाप है, कदमों की आवाज है और तलवारों के टकराने की आवाज भी है। आज के समय में कई आर्टिस्ट थांगता को एक करियर ऑप्शन की तरह भी ले रहे हैं और थांगता परफॉर्म करके अपनी जीविका चला रहे हैं। ये कला डिसिप्लिन और डेडिकेशन सिखा के एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करती है। थांगता आज मणिपुर के स्कूल्स में सिलेबस का भी एक हिस्सा है और विदेशों से भी इस कला को सीखने कई लोग आते हैं। थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1993 से लेकर आज तक अलग अलग राज्यों में 25 बार नेशनल थांगता चैंपियनशिप का सफल आयोजन करवाया है। इसके अलावा 2001 से थांगता फेडरेशन कप का आयोजन अलग अलग राज्यों में 8 बार और 2011 में इम्फाल में पहले वर्ल्ड थांगता चैंपियनशिप का आयोजन भी थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया ने करवाया। कुछ और टूर्नामेंट्स की बात करें तो एशियन थांगता चैंपियनशिप का आयोजन 2012 से लेकर अब तक 4 बार और इंटरनेशनल थांगता चैंपियनशिप का सफल आयोजन 2013 से अब तक 5 बार अलग अलग देशों में थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में ही किया गया है। ये आर्ट फॉर्म मणिपुर के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है जो उन्हें और हमें डिसिप्लिन होने के साथ साथ ये भी सिखाता है कि ताकतवर होने का मतलब दूसरों की रक्षा करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। बिल्कुल सही यार, मतलब हम हिंदुस्तानी कभी भी सामने चलकर किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, बात अगर सेल्फ डिफेंस की आई तो फिर थांगता जैसे मार्शल आर्ट फॉर्म्स हमें बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही किसी कमाल के इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया की कहानी लेकर आई विल बी बैक वेरी सून ऑन द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो। तब तक आप थांगता की ट्रेनिंग लो और इस खेल को आगे बढ़ाओ। गुड लक, आई विल सी यू सून।